नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच शुड बी द इन्वेस्टेड एट द 6% पर एनम सो दैट द आफ्टर 4 ईयर्स द अमाउंट विल बी 2500 रुपये। सेम क्वेश्चन बोल रहा है, वही वाली बात होगी जो मैंने एग्जाम्पल लिया, कितने रुपए निवेश करूँ जो 2500 रुपये बन जाए 4 साल में जाकर के और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो एनुअली के अकॉर्डिंग बताना है, क्वार्टरली के अकॉर्डिंग बताना है, मंथली के अकॉर्डिंग बताना है, कॉन्टिन्यूसली के अकॉर्डिंग बताना है। आप एक बार ट्राई करो, 5 मिनट का समय, फिर मैं आपको करवाता हूँ। हाउ मच शुड बी इन्वेस्टेड एट अ 6% पर एनम, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है जो कि आपको एज अ आई के फॉर्म में 0.06 देखिएगा, और टाइम आपके पास में बच्चे 4 ईयर्स है, और आपको सबसे पहले फर्स्ट कहाँ से देना है, एनुअली। तो एनुअल में आप अपना फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस ब्रैकेट 1 + i^-, आपके पास में जो टाइम है 4 ईयर। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू आपके पास में सम ऑफ अमाउंट तो गिवन होगा ना कि कितना पैसा 2500 रुपये बन जाए, तो एस इक्वल्स टू क्या है आपका 2500 है, तो 2500 ब्रैकेट 1 + 0.06 आपका 4। सॉल्व करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 2500 1.06 - 4, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 2500 अपॉन इनटू 1 / 1.06 - 4 एंड पी इक्वल्स टू 2500। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो ना पावर को, कैसे, 1.06 इंटू इक्वल्स टू, तो क्या आ गया आपके पास में 1.2624। ये मैं सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, कैलकुलेटर यूज करना है यहाँ पे। सॉल्व करेंगे आप 2500 डिवाइडेड बाय 1.2624, तो आपके पास में आया, तो आपके पास में आपने इन्वेस्ट कितना करा था, 1980 रुपये 35 पैसा। ठीक है बच्चे, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता क्वार्टरली, तो फॉर्मूला लिखते आप P इक्वल्स टू S ब्रैकेट, क्वार्टरली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, M निकालना पड़ेगा, M इक्वल्स टू क्या होता है 12 / क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ, तो 4, एंड S इक्वल्स टू आपके पास, P इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा S ब्रैकेट 1 + i^-, MT माइनस में एंड अपॉन में M, एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 2500 इक्वल्स टू 1 + 0.06 / 4 इक्वल्स टू -4 × 4 ईयर है ना दिस वन, एंड P इक्वल्स टू 2500 ब्रैकेट 1 + 0.06 6% है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो 0.015 - 16, एंड P इक्वल्स टू 2500 अपॉन 1.015 - 16, एंड P इक्वल्स टू 2500 अपॉन 1.015 × इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर 16 है ना, तो आपका 17 तक जब तक कैलकुलेटर पे नहीं आए प्रेस करते रहिए, तो क्या है आपके पास में 1.2689। सॉल्व करेंगे आप 2500 डिवाइडेड बाय 1.2689, तो आपके पास में यह आया रिजल्ट 1970.2। ये क्या हो गया आपके पास पे क्वार्टरली, अब बात कर रहा हूँ मैं मंथली की, तो मंथली में आप ना एम निकालेंगे, तो 12 मंथली मतलब हर महीने, तो इक्वल्स टू 12, एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस ब्रैकेट 1 + i / m इक्वल्स टू -MT, एंड प्रेजेंट वैल्यू 2500 इक्वल्स टू 1
प्लस आई 0.06 अपॉन 12 इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 4, ठीक है, 4 ईयर के लिए. एन पी इक्वल्स टू 2500 ब्रैकेट 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.005 रेज टू पावर 48. एंड पी इक्वल्स टू 2500 अपॉन 1.005 रेज टू पावर 48. एंड पी इक्वल्स टू 2500 1.05 इंटू इक्वल्स टू, प्रेस करते रहिए जब तक 49 नहीं आ जाए पे कैलकुलेटर पे. क्लियर है? कैलकुलेटर तो आपको अलाउ है ही ना, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, वो कैलकुलेटर को करना है. तो 1.27048 एंड प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 1.27048 1967.76. क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? कोई डाउट? अब देखो बच्चे, कॉन्टिन्यूस वाला पार्ट करेंगे हम. थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एक ही पेज पे करेंगे ज़्यादा बेटर है. अलग पेज ले लेते हैं. क्यों? कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस ई रेज टू पावर माइनस आर टी एंड पी इक्वल्स टू, दिख रहा है ब्लैक पे, पिंक नहीं, चलिए, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस 2500 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर, आर क्या आपका 0.06 और इंटू टी, टी क्या आपके पास में 4, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 2500 इंटू ई रेज टू पावर, सॉल्व करेंगे आप तो 24. क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे इसको आप तो p इक्वल्स टू 25 इंटू 1 अपॉन ई रेज टू पावर 0.24. अब ई रेज टू पावर भी कैलकुलेटर में निकालना मैं आपको सिखाई देता हूं बच्चे, है ना, क्या ही छोड़ोगे अब आंसर को. इंटू ई रेज टू पावर क्या निकालना है आपको? ई रेज टू पावर 0.24. क्लियर है बच्चे? तो ई रेज टू पावर को आप अपने नॉर्मल कैलकुलेटर पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको आज की क्लास में सिखा रहा हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पास में जो पावर है आप उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो मैं कैलकुलेटर में 0.24 नोट डाउन कर रहा हूँ. क्लियर है? और इसको ये स्टेप तो वन हो गया आपका, पहले आप इसको नोट डाउन करो. अब स्टेप टू में क्या करो बच्चे? आप इसको 4096, ये फिक्स नंबर है, ये क्या है आपका? ये आपका फिक्स्ड है, इससे डिवाइड करो. 4096 से डिवाइड करो. क्लियर है? जो रिजल्ट आपका आएगा, जैसे 0.00005859375 आया, ये आया, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका. फिर स्टेप थ्री क्या करो आपका? स्टेप थ्री में आप क्या करो? प्लस वन कर दो. तो बस प्लस वन कर दिया, ठीक है. अब स्टेप फोर में क्या करो आप? स्टेप फोर में पावर क्या है आपके पास पे बच्चे, इस बात को ज़रा देखेंगे. ये क्लियर है आपको? ये समझ में आया आपको? पहले यहां तक देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो. पहले इन स्टेप्स को क्लियर है? अब क्या करना है आपको? इनटू इक्वल्स टू, एक बार हुआ ये, इनटू इक्वल्स टू ऐसे 12 बार टाइम प्रेस करना है. इनटू एंड इक्वल्स टू कितने टाइम्स? 12 टाइम्स. इनटू इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो क्या है आपके पास में? 1.2712, ठीक है बच्चे? क्लियर है? तो बस मैं अपने क्वेश्चन में लेकर आता हूँ. तो क्या आया मेरे क्वेश्चन में रिजल्ट में? अपॉन 1.2712 इक्वल्स टू, तो सॉल्व करेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 1.2712
2712, तो 1966.64 ये मेरा आंसर है। क्लियर है बच्चे, ये समझ में आया आपको? लास्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप करवाया था ना आपका, कहाँ ये रहा, सॉल्व कर सकते हो उसको भी आप है ना, पी इक्वल्स टू 500 एंड ई रेस टू पावर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, 1 डिवाइडेड बाय 4096 दिस वन प्लस 1 दिस वन, और उसके बाद फिर इनटू एन इक्वल्स टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सॉल्व करेंगे आप, 500 अपॉन में 2.7179, तो 500 डिवाइडेड बाय 2.7179, तो आपके पास में आया 183.96। क्लियर है बच्चे? तो मैंने यहाँ पर आज की क्लासेस पे आपको कैलकुलेटर पे हम ई की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया, ठीक है। एंड अब आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू का अब लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, क्लियर है? करो उसको जरा ट्राई।
हेलो हेलो हेलो। ठीक, देखो बच्चे, अब बच्चे मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उसमें वॉइस चली गई थी बीच में। क्या करना है आपने, कोई एक पैसा है वो 50,000 रुपीज़ को दिव्या और नेहा में छोड़ के जा रहे हैं, और 5 साल के बाद जो दिव्या का अमाउंट क्रिएट हुआ और 7 साल बाद जो नेहा का अमाउंट क्रिएट हुआ, दोनों सेम है। ठीक है, दिव्या का अपना एक अमाउंट बना, नेहा का अपना अमाउंट बना, बट अगर उसको प्रेजेंट में लेकर आओगे तो दोनों का सम तो 50,000 नहीं बनेगा ना, जो 50,000 में से दोनों को दिया था। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि भाई लाइक 5 साल बाद जो अमाउंट बना या जो 7 साल बाद जो अमाउंट बना, दोनों इक्वल है, उसको मैंने एज कंसिडर कर लिया। तो अमाउंट 1+ और उसके मैंने उस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, दिव्या का, नेहा का भी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू का 50,000 होगा। सॉल्व करने का सिंपल प्रोसीजर है कि आपको पावर नेगेटिव है, इन प्रिंसिपल कर दो, पावर पॉजिटिव आ जाएगा। इसकी पावर को सॉल्व करा, इसकी पावर को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। देन 1 से मैंने इसको डिवाइड किया, रिजल्ट आया। देन उसके बाद मेरे पास में आया, इसके बाद मैंने इसको इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया, मेरे पास में ये सम ऑफ अमाउंट आ गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में ये आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये कर लेना, एक छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लासेस में मैं इक्वेशंस वैल्यूज के ऊपर आपसे डिस्कशन करूँगा, ठीक है ना? फिर एनुटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।